अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शहबाज़ और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गूगल शीट को यूज़ करते हुए हम चेक बॉक्स इस तरह ऐड कर सकते हैं और उन पर ये फॉर्मेटिंग किस तरह कर सकते हैं कि अगर हम टिक कर रहे हैं तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है और साथ ही ये टेक्स्ट को मार्क कर रहा है कि और नीचे आप देख सकते हैं कि टोटल भी हो रहा है। ये मैंने 3 किया तो 3 ही नीचे टोटल में आ रहा है, कितने टास्क बन गए हैं आप ये देख सकते हैं, साथ हमारा सम भी हो रहा है। तो चलें आज की इस वीडियो में ऐसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को देखते हैं। तो ये मैंने अपने फॉर्मेट को एम्प्टी कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें चेकबॉक्स को ऐड करते हैं, एरिया सेलेक्ट कर लेंगे जितने भी आप चेकबॉक्स ऐड करना चाह रहे हो। इंसर्ट में चेकबॉक्स पे आप क्लिक करेंगे, देख सिंपल तरीके से चेकबॉक्स हमारे ऐड हो गए, लेकिन क्लिक करने पर इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये सिर्फ टिक हो रहे हैं। तो चलें देखते हैं नेक्स्ट। अब इसकी फॉर्मेटिंग ऐड करने के लिए हम सब एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, साथ रेंज को, फॉर्मेट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये हमारा एरिया रेंज बता रहा है जो हमने सेलेक्ट की हुई है, इसे ऐसे रहने देंगे। कलर आप जो करना चाह रहे हैं बैकग्राउंड का, तो बैकग्राउंड कलर हम ब्लू कर लेते हैं, आप जो भी चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। और फॉन्ट कलर वाइट कर देते हैं, ये देख सकते हैं आप, साथ साथ हमारा वो बता भी रहा है कि ये ऐसे होगा, चेंजिंग में ऐसे शो होगा। ये है जी रूल, फॉर्मेटिंग रूल। यहाँ हमने ऐड करना है फार्मूला या कंडीशन जो ऐड करना है, हम कस्टम में जाएंगे, इक्वल्स के बाद लिखेंगे डॉलर साइन लगा के, मैं कर दूंगा जी वैल्यू, देख लेते हैं हम कौन सी है। सबसे पहले C4 है, C4 है, इसको हम डॉलर साइन इसलिए लगा रहा हूँ कि लॉक हो जाए वैल्यू। C4 इक्वल्स टू ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू है यानी कि तो ये हमारे पास कलर चेंज करेगा, अगर नहीं वैल्यू ट्रू यानी कि फॉल्स है तो ये कलर चेंज नहीं करेगा और बाकी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी इस पर, डन। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास साइड में आ भी रहा है, इसकी सारे एक रूल बना हुआ या कंडीशन मतलब फोल्डर की शक्ल में शो हो रही है। इसको ओपन करके दोबारा कोई रूल में एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलें टिक करके देखते हैं, ये देख सकते हैं आपके फॉर्मेटिंग हमारी अप्लाई हो रही है। अब देख टोटल देख लेते हैं, टोटल हमारे पास कैसे इसका शो होगा। उसके लिए भी एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो कि काउंटिफ का है, काउंटिफ। रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जो हम काउंट करना चाह रहे हैं, कोमा ट्रू, सिंपल से फार्मूला। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है जैसा कि आप हमने वीडियो स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन इसमें एक चीज़ मिस हो गई, ये लाइन नहीं आ रही टेक्स्ट के ऊपर। तो यही मैं आपको बता रहा था कि हम दोबारा एडिट करने के लिए उसके का ओपन कर सकते हैं दोबारा विंडो को। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं स्ट्राइक थ्रो का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अगर अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, बोल्ड करवाना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, ये देखें मैं इस पर क्लिक किया तो ये हो गया। आप बोल्ड भी कर सकते हैं, अटैलिक भी, जो कंडीशन आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सेटिंग कर सकते हैं। तो चलें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।